जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रह्मा जी ने हमारी पूरी दुनिया को बनाया। उन्होंने ये दुनिया तो बना दी, पर वो दुनिया बना के खुश नहीं थे, क्योंकि सब कुछ तो था पर होकर भी नहीं था। मतलब ये कि पूरी दुनिया तो थी बट सब कुछ शांत था। एक दिन ब्रह्मा जी ने अपनी ये बात भगवान विष्णु को बताई। फिर उसके बाद उन्होंने अपने कमंडल से जैसे ही धरती पर पानी छिड़का, तभी एक सुंदर देवी प्रकट हुई, जिनका एक हाथ मुद्रा में था, एक हाथ में पुस्तक और बाकी दो हाथ वीणा को लिए हुए थे। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी उस वीणा को बजाना शुरू किया, वैसे ही उसमें पहले सात स्वर निकले। सा रे गा मा पा था नी सा, पर तभी से ये संगीत के पहले सात स्वर बन गए। हुई जिस दिन माँ सरस्वती आई थी, उसी दिन बसंत ऋतु भी थी, इसीलिए उस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी ने उनके कई नाम रखे, जैसे वीणा वाहिनी, भगवती, सरस्वती आदि। और उसी दिन भगवान ब्रह्मा ने भी माँ सरस्वती को प्रणाम किया, वो उन्हें शिक्षा की देवी माँ सरस्वती का दर्जा दिया। वैसे ही कोयलों को उनकी पानी को हवा को I'll catch you.